हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 10 माइनस 10 आई। यहाँ पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे। अगर हमें कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो इसकी पोलर फॉर्म हो जाएगी आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहां r क्या होगा, मॉड ऑफ z, जो कि हम लोग फाइंड करेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। और थीटा के लिए सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे टेन इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन ए, और इसके बाद ये भी देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी कि थीटा थीटा रहेगा। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये बन जाएगा पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये बन जाएगा थीटा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये बन जाएगा माइनस थीटा। तो आइए इस बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमें नंबर गिवन है 10 माइनस 10 आई, इसको हम लोग कंपेयर कर लें ए प्लस आई बी से। तो ए की वैल्यू क्या आ जा रही है 10, और बी की वैल्यू क्या आ जा रही है माइनस 10। अब देखिए प्लस और माइनस, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहां पर फोर्थ लिख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ये भी 100 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 200, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 10√2। अब देखिए थीटा निकाल लेते हैं, थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 10 इनवर्स मॉड ऑफ b यानी कि माइनस 10 अपॉन 10। तो 10 इनवर्स कितना आ जाएगा 1, और थीटा के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाई 4, ठीक है। और ये जब थीटा पाई बाई 4 होगा तो ये किस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि फोर्थ में, तो अल्टीमेटली आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा कितना आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। अब देखिए इसकी पोलर फॉर्म लिख लेते हैं, तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, आर यानी कि 10√2 इन ब्रैकेट कॉस माइनस पाई बाई 4, तो यहां ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस पाई बाई 4 प्लस आई साइन थीटा, थीटा की जगह पे माइनस पाई बाई 4, ठीक है, इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, बी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।